डर्मेटोजन, हाँ, तो हाइपो क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस सेल जो है वो, उसकी चार सेल्स रूट ऑर्गन्स एंड चार सेल जो है वो रूट कैप को यहाँ पे क्या कर रही है, कोड। नेक्स्ट, डर्मेटोजन लेयर, पेरिवेलम एंड प्लीरोम लेयर्स या सेल्स के विभेदन के पश्चात इसके अनियमित इलोंगेशन के कारण एम्ब्रियो जो है वो अब इस स्टेज पे आ जाता है। तो इनको तो हम बोल सकते हैं स्तरित अवस्था, और ये हो जाएगी कौन सी, हार्ट शेप। हार्ड शेप एम्ब्रियो, तो हार्ड शेप एम्ब्रियो तक डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो है वो सामान्यतः सेम सेम से ही है, ठीक है। उससे पहले के डिविजन्स जो हैं वो इनमें सेम ही है, थोड़े अंतर्स हो सकते हैं। इसी वजह से डायग्राम शुरू में मैंने उल्टा बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि यहाँ अब इसकी एक डायग्राम की स्ट्रक्चर मैं देखूं, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये है इसका सस्पेंसर सेल, ये हो गया सस्पेंसर, और ये इसके अंदर डेवलप हो रहा है हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यही डेवलपमेंट। इसके बाद का डेवलपमेंट, धीरे धीरे ये जो हार्ट शेप दोनों रिजेज हैं ये क्या होंगे, डेवलप होंगे, और किस में डेवलप होंगे, ये
इसको हम बोल सकते हैं प्यूबियल रीजन या शूट अपेक्स, शूट अपेक्स रीजन, जिसको हम बोलते हैं प्यूम्यूल, दैट इज प्यूम्यूल। और ये जो सेल्स हैं ये क्या कहलाती है, हाइपोकोटाइल, और ये डेवलप करती है किसको, रेडिक्यूल को। हम इसको डायरेक्ट रेडिक्यूल नहीं लिख सकते, ये है कौन सी, हाइपोकोटाइल। तो रेडिक्यूल की जगह इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं हाइपोकोटाइल, ठीक है। और यहां इसके जस्ट नीचे प्यूम्यूल जिससे डेवलप हो रहा है, दैट इज एपिकोटाइल। और इन दोनों रिज के अनियमित वृद्धि के कारण, तो ये अनियमित वृद्धि के कारण ये बढ़ गया, बन गई संरचना। ठीक है, अनियमित वृद्धि और लगातार बढ़ने के कारण अंदर की तरफ कंजस्टेड होते हैं, तो जो कॉटिलीडन्स डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहां अपन लिख सकते हैं दैट इज कॉटिलीडन इनिशियल। कॉटिलीडन इनिशियल सेल्स, और यहां पे भ्रूण जो है वो क्या हो रहा है, उल्टा। इसलिए शुरुआत में मैंने यहां पे उल्टा डायग्राम आपको शो किया था ताकि सस्पेंसर नीचे की तरफ डेवलप होता रहे और ऊपर की सेल जो है वो क्या हो जाए, एपिकल सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, क्योंकि यहां पे एनाट्रोपस जो ओव्यूल है उसमें सस्पेंसर नीचे की ओर होगा, जबकि वहीं अगर अपन बात करें किसकी, ऑर्थोट्रोपस की, तो उसमें सेम यही पोजिशन के अंदर ओव्यूल जो होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे राउंड इन शेप, तो ये सेम इसी तरीके से उसमें जो क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म है उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ अगली स्टेज में कंप्लीट डायग्राम बना लेते हैं, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये मिटा देता हूँ जाइगोट को, प्रारंभ में इसी जगह पे डायग्राम बनाया भी था।
ये हो गई इसकी एपिडर्मिस, ये हो गया कॉटिलीडंस। ठीक है, ये हो गई इनकी सीमन या मार्जिन्स, जिससे दोनों के दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट। तो भ्रूण के अंदर इसके डेवलपमेंट होते ही जो क्या बोलते हैं सस्पेंसर सेल्स है वो इतनी तेजी से विकसित होती हैं कि वो इस भ्रूण को क्या करती हैं, ढकेलती हैं चलाजल एंड की ओर, और स्पेस कम होने के कारण जो चलाजल एंड है वहाँ पे ये क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो अगर आप देखें तो जो एम्ब्रियो एक्सिस है, एम्ब्रियो एक्सिस उसी के पैरेलल बिल्कुल समानांतर दोनों कॉटिलीडंस भी क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इसका दो फायदा है, एक तो इनके पास आने का, दूसरा जिस प्रेशर से ये एंडोस्पर्म की सेल्स में प्रेशर डालती हैं तो ये पोषण प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतना उनके सटीक या उसके पास रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम इधर बन गया,
ये हो गया सस्पेंसर, ठीक है, ये हो गया वेसिकल, जो कि धसी हुई है किसमें, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो सैक की वॉल्स में, दैट इज हाइपो, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल को हम हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी की दिक्कत आ रही है, देख रहे हैं एक बार। हाइपोकोटाइल को बोल सकते हैं बीज पत्राधर, बीज पत्राधर, और इस बीज पत्राधर में यहाँ ये जो सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये बनाती हैं रूट कैप, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे की जो सेल्स हैं ये कहलाती हैं रूट सेल्स, ये रूट सेल्स हैं और ये रूट कैप, और इन दोनों को अगर अपन बात करें तो दैट इज रेडिक्यूल। मूलांकुर, ठीक है, ये जो सेल्स है अंदर वाली दैट इज प्रो कैम्बियम, प्रो कैम्बियम, ये यहां पे जो टिप पार्ट दिख रहा है दैट इज प्यूम्यूल, ठीक है, दैट इज प्यूम्यूल। ये हो गया एपिकोटाइल, एपिकोटाइल को हम बोल सकते हैं यहां पे बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, ठीक है, दैट इज प्यूम्यूल। प्यूम्यूल को बोल सकते हैं प्रांकुर, कोटिलीडेंस को हम बोलते हैं बीज पत्र, ठीक है, बस ये सारी की सारी सेल्स जो है बनती हैं। तो ये तो हो गई एपिडर्मल सेल, ये अंदर की तरफ की जो हो गई ये होगी भरण उत्तक कोशिका, बीच वाली होगी प्रोकैम्बियम, ठीक है, प्राकेधा, सस्पेंसर, वेसिकल्स, मेन चीज आ रही है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के ऊपर की तरफ है प्यूम्यूल, जो कि तने का सीड्स शूट अपेक्स जो है उसको कोड करती है। तो सिंपल अगर अपन यहां पे बात करें तो इस पूरी संरचना में जो मेन चीज आएगी वो ये कि सबसे पहला अगर आप यहां देख पा रहे हो तो डायग्राम बिगड़ेगा अब अपना, इस पूरे डायग्राम में फर्स्ट वन इज एक्सिस, दैट इज एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो अक्ष, ठीक है, दूसरा अगर इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं तो ये एम्ब्रियो अक्ष के 90 डिग्री पे, यहां अगर अपन बात करें तो एम्ब्रियो अक्ष के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगी फोल्ड, कॉटिलीडन्स बिल्कुल हाइपोकोटाइल के साथ आ चुकी है। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है भाग वो है टू कॉटिलीडन्स, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट भाग है एपिकोटाइल जिसके साथ है प्यूम्यूल, और प्यूम्यूल जो है वो इसको क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है, वो स्टोर क्या कर रहा है मैस्मेटिक सेल्स को कवर कर रहा है जो कि अंकुरण के समय यहाँ पे प्रांकुर अर्थात प्यूम्यूल को डेवलप करेगी। उसी तरीके से हाइपोकोटाइल सीड जर्मिनेशन के टाइम पे किसको कोड करेगी मूलांकुर, मूल को क्या करेगी कोड करेगी।
और एक बार मूलांकुर और प्रांकुर कोड होने के बाद सीड जो है वो क्या करेगा, जो नवोद्भिद को डेवलप कर रहा है वो प्लांट के अंदर डेवलप कर लेगा, क्योंकि प्रांकुर से डेवलप होंगी लीफ प्रिमोर्डिया, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाएंगी और रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। तो इस प्रकार डाइकॉट सीड में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट। अब हम इसी की तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम पॉइंट बदल देते हैं, कौन सा, मोनोकॉट, मोनोकॉट एम्ब्रियो के लिए डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि ये मोनोकॉट में नहीं होएगा। ये लीजिए, ठीक है, इसकी भी हमको वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और हार्ड शेप बनता नहीं है, लेकिन हार्ड शेप तक सेम सेम सी स्टेजेस रहती हैं। तो हार्ड शेप को हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे या यहाँ तक हम आ जाते हैं, तो ये हार्ड शेप को भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो वापस कहाँ से प्रारंभ होगी, जायगॉट सेल से, फर्स्ट जायगॉट सेल। ठीक है, जायगॉट सेल से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कारण दो कोशिकाएं बन रही हैं, ये रहा जायगॉटिक सेल, दैट इज 2N, थोड़ा सा रफली बना देते हैं क्योंकि डिटेल में हमने समझ लिया। इसमें प्रथम अर्धसूत्र वो ट्रांसवर्स विभाजन की वजह से दो सेल्स बन रही हैं, वही सेम पोजिशन, फर्स्ट वन ऊपर की तरफ अगर अपन सस्पेंसर को डेवलप करें तो दैट इज बेसल, और ये बन गई एपिकल, वही जिसको हमने नाम दिया सी ए, और इसको हम नाम दे रहे हैं सी बी। ठीक है, दो सेल्स बन गई फर्स्ट। अब यहाँ पे वही विभाजन जो हमने पहले किया, कौन सा, ये वाला, तो कैसा हो गया, ये उल्टे टी के समान, पहला वो सॉरी सीधे टी के समान करेंगे यहाँ पे। तो सीधे टी का मतलब हो गया पहला विभाजन बेसल सेल में जिसकी वजह से दो सेल्स बन गई, और दूसरा विभाजन इसमें जिसकी वजह से नीचे भी दो सेल्स बन गई लंबाई में, और ये बन गई अनुप्रस्थ भुजा में। तो ये प्रो एम्ब्रियोनिक सेल हो जाती है, और ये सस्पेंसर और ये वेसिकल सेल। नेक्स्ट इस विभाजन में अगर हम आगे बढ़े तो सेम वही विभाजन वापस हो रहा है जिससे क्वाड्रेंट संरचना बनती है, और वही सस्पेंसर सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे अनुप्रस्थ सेल्स वो सॉरी सस्पेंसर सेल्स जो है वो क्या होती है, डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट स्टेज में वही ऑक्टेंट अवस्था आएगी, ये रही, और ऑक्टेंट अवस्था में हाइपोफाइसिस जो है वो विभाजित होकर चार कोशिकाएं और चार से कितनी, आठ कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। तो एक्चुअली में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हम इनको चाहे तो दो नाम दे सकते हैं, जैसे कि N, तो ये विभाजित होगी N N L 1, इस तरीके की संरचना है। हाइपोथिसिस सेल्स में जो है वो क्या होती हैं, आठ सेल्स कोड होती हैं, और कोड होने के बाद ये स्ट्रक्चर आ जाती है, दैट इज हाइपोथाइसिस, जिसमें ऊपर की सेल जो है प्यूम्यूल और नीचे की सेल जो है वो सॉरी रेडिक्यूल, और नीचे की सेल रेडिक्यूल में रूट इनिशियल सेल्स को डेवलप कर रही है। वहीं अगर अपन बात करें ऑक्टेंट में एम्ब्रियोनिक सेल की, तो वहाँ पे डर्मेटोजन पेरिवेलम एंड प्लीरोम को डेवलप कर रहा है, क्योंकि मोनोकॉट और चाहे डायलोकॉट हो, बेसिक जो मेरिस्मेटिक टिश्यू सिस्टम है वो तो इन सब में क्या है, बिल्कुल समान ही होता है। ठीक है, अब इसके आगे की स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो अनियमित विभेदन करती है, और एक अनियमित गोलाकार संरचना, क्योंकि वहां पे हमने हार्ड शेप बनाई थी,
सेल्स के बंटवारे से। तो एक तरीके से आधी आधी सेल्स यहाँ पे कोड हो रही हैं, ये सेल्स यहाँ पे कोड करती है किसको, हाइपो कोटाइल, और ये सेल्स जो है यहाँ पे कोड करती है किसको, एपी कोटाइल। ठीक है, अब वही हार्ड शेप वाला एम्ब्रियो है ये, ठीक है, और हार्ड शेप एम्ब्रियो के बाद में अब जो इसमें डेवलपमेंट होगा, जिसमें क्या हो रहा है, इसी के डेवलपमेंट में जैसे वहां पे ये डेवलपमेंट हुआ था, ये हार्ड शेप, ठीक है, तो हार्ड शेप के बाद यहाँ पे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल डेवलप हुई थी, और उसके बाद ये जो है ये कोटिलिडंस की संरचना डेवलप हो रही थी जो बाद में फोल्ड हुई थी। यहाँ पे कोटिलिडंस की ऐसी कोई संरचना जो है वहाँ पे नहीं होती, ये एक मास गुच्छे या एक तरीके से आवरण के समान, एक दृढ़ आवरण के समान संरचना जो है कोटिलिडन में डेवलप होती है। तो यहाँ पे अगर अपन डायग्राम बनाए इसका, तो ये हो गया सस्पेंसर, और ये हो गया इसका हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल सेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे एक पार्श्व में खांच जैसी संरचना के रूप में ये डेवलप होगा, और ये हो गया डेवलप, दैट इज कोटिलिडंस। तो ये संरचना की अगर अपन बात करें तो दैट इज एपी कोटाइल, जिसमें ये डेवलप हो रहा है प्यूम्यूल, और इस प्यूम्यूल को एक विशिष्ट ढक्कन जैसी संरचना जो है घेरे रहती है, दैट इज नॉन एज स्कूटुलम। ये हो गया हाइपो कोटाइल, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट होता है किसका, रेडिक्यूल का, और इसमें डेवलपमेंट किसका होता है, फ्यूम्यूल का, दैट इज कोटिलिडन। मक्का के भ्रूण की हम बात करें मोनोकॉट की, तो यहाँ विशिष्ट संरचना के रूप में जो प्यूम्यूल है उसको एक विशिष्ट संरचना कॉलिप्टाइल पत्रावरण घेरे रहती है। स्क्यूटुलम इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, फिर दिखाता हूँ, कॉलिप्टियल, कॉलिप्टाइल, पत्रावरण, ठीक है, और रेडिक्यूल को जो संरचना घेरे रहती है उसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, और इसके जो बीज पत्र हैं, ठीक है, वो एक तरीके से ढालनुमा संरचना, या अगर अपन इस कोटिलिडन की बात करें जो हमने स्केटुलम लिखा था, वो हम यहाँ पे ऐड वापस कर सकते हैं, एक विशिष्ट संरचना स्केटुलम के रूप में इसके ऊपर क्या रहते हैं, ढके रहते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया था स्केटुलम।
सस्पेंसर, ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट के एम्ब्रियो जो है उसमें कॉटिलिडन्स की संख्या एक ही होती है, जो कि एक ढक्कनुमा संरचना या स्क्यूटुलम के समान दिखाई देता है। यहाँ पे जो हमने मोनोकोट की संरचना पढ़ी है वो पढ़ी है ल्यूजुला फ्रॉस्टोरी, ल्यूजुला फ्रॉस्टोरी, ठीक है, ल्यूजुला फ्रॉस्टोरी प्लांट। कारण इसका यह है कि इसकी जो चतुष्क अवस्था है उसी चतुष्क अवस्था में भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ये जो हाइपोफाइसिस सेल है, हाइपोफाइसिस सेल है, इसमें प्रथम विभाजन से चार कोशिकाएं यहीं बन जाते हैं, फिर आठ कोशिका लगातार साथ एम्ब्रियो सेल्स के साथ ही इनका क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। और जब यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं व्रंथ की, या क्या बोलते हैं इसको, हमने नाम दिया सस्पेंसर, सस्पेंसर की सबसे अंतिम कोशिका जो है हाइपोफाइसिस में बदल रही है एक तरीके से, इसको हिंदी में स्फीति का बोल रहे हैं, तो हाइपोफाइसिस फाइसिस सेल के बनने के कारण ये किसका भाग हो गया, एम्ब्रियो का, अर्थात इसमें सस्पेंसर जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भाग या पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज, दैट इज दीज आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किसका, मोनोकोट एम्ब्रियो। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है।